नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के नागदा में राकू चौधरी हत्याकांड के आरोपी तरुण शर्मा के मकान पर चला बुलडोजर। आज सुबह करीबन 6:30 बजे नागदा नगर में शासन प्रशासन ने मिलकर राकू चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी तरुण शर्मा के मकान पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। दरअसल राकू चौधरी हत्याकांड में तरुण शर्मा मुख्य आरोपी के रूप में था। नागदा नगर में इस तरह शासन प्रशासन की कार्रवाई से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में भय व्याप्त है। हम आपको बता दें कि शासन प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई सुबह 6:30 बजे ही पालिया रोड स्थित तरुण शर्मा के मकान पर प्रारंभ कर दी गई थी। इस कार्रवाई के दौरान SDM आतुशोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नाकर, तहसीलदार खरे, TI श्यामचंद शर्मा सहित अन्य प्रशासन के लोग मौके पे दल बल के साथ मौजूद रहे। उज्जैन संवाददाता शंभु राठौर की रिपोर्ट। और अतिक्रमण सर, किसके यहाँ पे कार्रवाई की गई सर? कितना अतिक्रमण था इसके अंदर? 7 फीट के करीब अतिक्रमण पाया गया था मेन रोड पे, पांड्या रोड पे। किसका मकान तोड़ा गया सर? मुकेश शर्मा है, तरुण शर्मा पिता मुकेश शर्मा, उनका मकान। सर, इस घटना में और भी आरोपी से आर्यन आर्य वगैरह, इनके मकान तोड़ेंगे सर क्या? मुख्य आरोपी भी है, बाकी चीजें चल रही हैं। नहीं, उनके से आर्यन आर्य वगैरह जो अभी इस तरह पे कहना मुश्किल है सर। पहले